व्यक्ति को जिसने 17 साल में ही नोबल पारितोषिक मिलाने का सम्मान प्राप्त किया है। तो जो तालियों से स्वागत करते हैं मलाला यूसुफ़ज़ई का। स्वागत है मलाला जी आपके इस खास कार्यक्रम गरीवाली कट्टा में। कृपया आप अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। मलाला जी क्या हम हमारे कार्यक्रम को शुरुआत करें? हाँ क्यों नहीं। मलाला जी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले सुनते हैं आपके बारे में एक ऑडियो क्लिप। मलाला यूसुफ़ज़ई एक पाकिस्तानी छात्र है। 13 साल की उम्र में तहरीक ए तालिबान के अत्याचारों के खिलाफ स्वात के लोगों में नायिका बन गई। उनको 17 साल की उम्र में भारतीय समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक किताब, एक कलम, एक बच्चा और एक शिक्षक दुनिया बदल सकते हैं, यह उनकी सोच है। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं मलाला यूसुफ़ज़ई का। मलाला जी आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा जन्म पाकिस्तान में स्वात जिले में मिंगोरा गांव में 12 जुलाई 1970 में हुआ। मलाला जी आप आपके परिवार के बारे में क्या बताना चाहेंगी? मेरा परिवार एक पाकिस्तानी परिवार है। मेरे पिताजी का नाम जियाउद्दीन है और मेरे माताजी का नाम टूर पा गई है। मुझे 2 भाई है। मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है। आप अपने पढ़ाई के बारे में क्या बताना चाहोगी? मैंने बहुत कठिनाइयां पार करके पढ़ाई की है। उन दिनों पाकिस्तान में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। तालिबानों के डर से लड़कियों ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। मलाला जी तालिबान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? तालिबान यह एक दहशतवादी पाकिस्तानी संगठन है। तालिबानों ने 2007 से 2009 तक स्वात घाटी पर कब्जा कर रखा था। उन्होंने स्वात घाटी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। मलाला जी आपको यह महिलाओं के शिक्षा के लिए जो संघर्ष था उसकी शुरुआत कब हुई? मैं तब 8वीं कक्षा की छात्रा थी, तभी से मेरी इस संघर्ष को शुरुआत हुई। मलाला जी आपके ऊपर तालिबान ने गोलीबारी की, उस दिन क्या हुआ था आप हमें बताना चाहेगी? हाँ क्यों नहीं। वह दिन था 2 अक्टूबर 2012 का। हम हर दिन की तरह हमारे स्कूल बस में जा रहे थे। हमारी स्कूल बस ट्रैफिक में अटकी हुई थी। तभी एक युवक हमारे स्कूल बस में चढ़ा और उसने पूछा, तुम सब में से मलाला कौन है? मेरी सहयोगियों ने मेरी ओर इशारा किया और उस युवक ने झट से अपने जेब से बंदूक निकाली और 3 गोलियां मारी। उसमें से 2 गोलियां मेरी सहेलियों को लगी और 1 गोली मुझे इधर लगी। आतंकवादियों ने आपके ऊपर हमला किया, उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? आतंकवादियों ने सोचा कि वे मेरे सोच को बदलने के, मेरी महत्वाकांक्षा को दबाने के, लेकिन मेरी जिंदगी में इसके सिवा कुछ नहीं होगा। हुआ, डर और निराशा का खून किया गया और साहस और सामर्थ्य का जन्म हुआ। जब आपको गोली लगी तब आपको किस अस्पताल में दाखिल किया? मुझे इंग्लैंड के बर्मिंघम में क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया। मलाला जी आपको नोबेल पुरस्कार मिला, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे नोबेल पुरस्कार 2014 में प्राप्त हुआ। भारत के समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी इनके साथ मुझे अमेरिका देश में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मलाला जी आपने किन किन पुस्तकों का लेखन किया है? मैंने आई एम मलाला, ही नेम मी मलाला इन पुस्तकों का लेखन किया है। मलाला जी आप छोटे दोस्तों को क्या संदेश देगी? दोस्तों अपना कोई भी काम मन लगाकर करो, अपने आसपास के बुरे विचारों को बदलना सीखो और दोस्तों यह सदैव ध्यान में रखना, डर के आगे जीत होती है, क्योंकि एक किताब, एक कलम, एक बच्चा और एक शिक्षक पूरी दुनिया बदल सकते हैं। मलाला जी आज आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आई और हमसे चर्चा की, इसलिए शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और मेरी बात सुनी। तो दोस्तों आज हम मिले मलाला यूसुफ़ज़ई इनको। अगले कार्यक्रम में हम मिलेंगे ऐसे एक महान व्यक्ति से। तब तक के लिए अलविदा। शब्बत है।